ओके तो ये वीडियो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा गुस्से से बना रहा हूं क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूं एनटीए से, क्योंकि एनटीए के गलती की वजह से ना हजारों बच्चों की करियर बर्बाद हो सकती है और हो रही है। ये चीज, ये गलत हरकत एनटीए कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ, कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि कैसे एनटीए ने जो बच्चों के साथ करा है वो कितना गलत है। आप सभी सीयूईटी एस्पिरेंट को ये पूरा वीडियो देखना है एंड तक, क्योंकि आपके वजह से अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो किसी बच्चे का ईयर लॉस होने से बच सकता है। क्या सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूं एंड वीडियो के बीच से लेकर एंड तक पूरा एक आपको वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा मेरे पर्सनल स्टूडेंट का, मेरे स्टूडेंट का जो हमारे बैच में एनरोल्ड है, जिनके साथ ये चीज हुआ है, वो सारी चीजें। आप प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बच्चों को, आपके ही दोस्तों को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। देखिए, हुआ यह है कि एनटीए के गलती की वजह से बच्चों की एग्जाम छूटी है, और जो कि मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, दिखाऊंगा सब कुछ। ओके, क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। मेरी एक स्टूडेंट है निकिता, जो हमारे कोर्स में इनरोल्ड है रिसेंटली, उनका एग्जाम होने वाला था 30 तारीख को, ठीक है ना। उनका एग्जाम था 30 या अभी आपका मई में, ठीक है। तो उनका एग्जाम था एकदम एंड में। अब एग्जाम उनको देने जाना है। अब एग्जाम के दो घंटे पहले, एक घंटे पहले उनका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है। अब बताइए, अब जिस बच्चे का घर, उसके मतलब जो सेंटर है और घर है, उसके बीच का डिस्टेंस दो घंटे है, ढाई घंटे है, वो बच्चा कैसे जाएगा और एकदम से कैसे प्रिपेयर हो जाएगा वो एग्जाम के लिए, ये बताओ हमें। क्योंकि जो मेरी जो स्टूडेंट है निकिता, मैं कोशिश करूंगा कि, मैंने तो उसका पूरा कॉल रिकॉर्डिंग किया, उसके साथ बात करा है, इंटरव्यू लिया है उसका छोटा सा एक, आप सुनना। और आप ही नहीं, मतलब सिर्फ निकिता ही नहीं, निकिता के साथ बहुत, निकिता के जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ ये गलत चीज हुआ है। तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एनटीए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो एनटीए क्या कर रहा है यहां पे, किस बात का वो पैसा ले रहा है, किस बात का ये इतना बड़ा सीयूईटी सो कॉल्ड एग्जाम बताया, क्या चीज है? फिर मत करो, नहीं करो ये सब चीजें, फालतू की हरकत। मैं तो एनटीए से साफ बोल रहा हूं भाई, है ना। इतनी बड़ी कमेटी हो, बोर्ड हो, और आपकी गलती की वजह से ये चीजें हो रही और आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो, तो क्यों आप इतना बड़ा बोर्ड चला रहे हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? क्या जरूरत है इस चीज की, क्या जरूरत है? इससे अच्छा बच्चे अपने घर के बगल में स्कूल कॉलेज में पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है? निकिता ही नहीं, निकिता जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ यह चीज हुआ है। और मैं निकिता जो स्टूडेंट है, कोशिश करूंगा, अगर वो कमेंट करती है, निकिता बच्चे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो पहले। आपको अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका एग्जाम छूटा है, ओके, क्योंकि एनटीए ने तो साफ बोला था कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके एग्जाम के ठीक तीन दिन पहले रिलीज किया जाएगा। अब जब आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के एक घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे पहले रिलीज किया जा रहा है सुबह सुबह, आप कैसे एग्जाम दे पाओगे? हो सकता है कि उस बच्चे ने कभी उस टाइम पे खोल के देखा ही ना हो। और ये चीज हो कैसे सकता है, आपने तीन दिन पहले का बोल रखा है एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे, तो आप कैसे रिलीज कर रहे हो इतना लेट से? कैसे बच्चा एग्जाम देगा? उसका तो एग्जाम गया, उसका करियर भी गया, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में उसे जाना है उसमें उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और आपकी गलती की वजह से तो वो सब्जेक्ट हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल, अब दे ही नहीं पाएगा बच्चा हमारा। कैसे पॉसिबल है ये चीज? और सिर्फ निकिता ही नहीं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये चीज हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, मैं निकिता का जो कमेंट होगा उसे मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो में। पिन करने के बाद उस कमेंट में जाके, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो, फालतू की बात नहीं, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, बातें कीजिए, आप लोग डिस्कस कीजिए, आप लोग कलेक्टिवली ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना करके आप जाइए ट्विटर पर या एनटीए को कॉन्टैक्ट कीजिए, सबको साथ में मिलकर, क्योंकि बेचारी अकेले मैसेज कर रही है ना निकिता, या फिर कोई भी अदर स्टूडेंट, अकेले एक बंदा या एक लड़की, तो नहीं पॉसिबल है, रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, सामने से हो ही नहीं रहा, रिस्पांस है ही नहीं सामने से कोई। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सामने से साथ मिलकर सबको प्रेशर लगाओ, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो एक बार एग्जाम की डेट पूरी खत्म हो जाए ना, तो फिर तो चांसेस है ही नहीं कि कुछ हो पाएगा। और गलती जब सामने वाले की है तो उसके वजह से आपके साथ नाइंसाफी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, होने नहीं दूंगा मैं। इसीलिए पूरी अनटोल्ड मैक टीम ने, मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये चीज हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। आप जाइए निकिता के कमेंट पे, आप अपना बातचीत कीजिए, अगर आपके साथ भी ये चीज हुआ है, आपस में ग्रुप बनाइए, मिलिए या कॉन्टैक्ट कीजिए किसी भी तरीके से। कोई भी फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, प्लीज कोई भी फालतू की चीजें नहीं होगी उस कमेंट में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एनटीए को शेयर कीजिए ये वीडियो, और एनटीए को मेल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए एनटीए को लेकर के। मैं निकिता का पूरा कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने करी है निकिता के साथ बात, वो पूरा अभी लगा रहा हूं इस वीडियो के एंड तक, आप उसे सुनिए, पूरे एंड तक सुनिए। एंड प्लीज, जो बच्चों के साथ ऐसा नहीं भी हुआ है ना, तो आपके दोस्तों को आपकी जरूरत है, प्लीज उनकी ये मदद कीजिए, प्लीज प्लीज कीजिए मदद। क्योंकि आप अगर किसी के लिए अच्छा करोगे ना, तो दूसरे की लाइफ बच सकती है, दूसरे का पूरा साल बच सकता है, करियर बच सकता है। प्लीज मत कीजिए, प्लीज एटलीस्ट उनका सपोर्ट कीजिए। कोई भी अंदर एटीट्यूड, ईगो मत रखिएगा, अपने दोस्तों का सपोर्ट कीजिए, उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए, नेक्स्ट जो वीडियो की एंडिंग पार्ट है वो निकिता की होगी। थैंक यू। ओके निकिता, हमें ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके साथ, आपका एग्जाम कैसे छूटा, जैसा कि जो आपने मुझे बताया अभी। ओके, कैसे कैसे आपका एग्जाम छूटा और एग्जाम सेंटर पे आप नहीं जा पाए, और कैसे सिटी इंटीमेशन को प्रॉब्लम आई? सर एक्चुअली मेरा 30 मई को एग्जाम था, ये मेरा थर्ड एग्जाम था, इससे पहले मैं दो दे चुकी हूँ, और इसकी जो एडमिट कार्ड
को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने देखा तो बहुत लेट हो चुका था और मेरा सेंटर पड़ा था मेरे घर से लगभग 2 घंटे की दूरी पे पड़ा था और मैं नहीं जा पाई, इस वजह से मेरा एग्जाम छूट गया। और मैंने एनटीए को मेल वगैरह भी करा बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपका उसके बाद एग्जाम था आपके सेकंड डिवीजन? यस सर, यस सर। ओके, आपको पहले से कुछ भी नहीं पता था राइट? कुछ भी नहीं पता था सर। आपने चेक करी थी पहले? यस सर, मैंने अभी जिस दिन मेरा ये 30/29 को शाम को मैंने चेक करा था अराउंड 7 o'clock के आसपास, तब कुछ भी नहीं आया था। और उसके बाद मैंने जैसे सुबह ऐसे रैंडमली चेक करा तो मेरा एडमिट कार्ड आ रखा था और उस टाइम पे फिर मेरा पेपर, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे घर से अराउंड 2 या 2.5 घंटे का रास्ता था तो मैं नहीं पहुंच पाती, फिर मेरा कोई फायदा नहीं था जाने का वहाँ। अच्छा, तो आपने एनटीए को मेल वगैरह करा कुछ? यस सर, मैंने एनटीए को मेल भी करा और ट्विटर अकाउंट पे एंड वो जो चेयरमैन है यूजीसी के उनको ट्वीट भी करा बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओके ओके ओके, तो आपको क्या लगता है अब कि क्या कोई रिस्पॉन्स आएगा? आपने होप छोड़ दिया लाइक दोबारा एग्जाम का, या फिर आपका तो फिर इस साल अगर इस हिसाब से रिप्लाई नहीं आया तो आपका फिर ये ईयर तो ड्रॉप हो जाएगा दूसरों की गलती की वजह से? यस सर, मुझे तो मैं रोज मेल कर रही हूँ, 30 मई से मैं रोज मेल कर रही हूँ, 1 मेल मैं डेली डाल रही हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसलिए मेरे होप तो छूट रहे हैं। बाकी पेपर तो आपने दिया है ना कुछ भी पेपर? सर, मैंने इससे पहले 2 पेपर 22 मई को मेरा था, मैंने दोनों पेपर दिए थे और ये मेरा 3rd 4th दोनों एक साथ आया था, 3rd 4th बचा था मेरे लिए। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसमें ये पेपर की रिक्वायरमेंट है राइट? यस सर। ओके ओके, मतलब दूसरे की गलती की वजह से आपका एग्जाम ये छूटा है ना? यस सर। चलो ठीक है, ओके।